हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम का टाइम है। देखिए, मैं आज जा रही हूँ बेसन लौकी की नई रेसिपी लेकर आई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ बनाकर। ये देखिए, ये लौकी है कटी हुई, इसमें बेसन डाल लिया थोड़ा सा, बेसन ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 2.5 स्पून बेसन इसमें डाला मैंने, थोड़ा सा मैगी मसाला डाला, थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़ा सा हल्दी डाला, आधी चम्मच हल्दी डाली, गरम मसाला डाला 1 चम्मच, इसको बेसन को फेंट लूंगी पानी से। बहुत ज्यादा बेसन नहीं डालना इसमें, थोड़ा सा डालना होता है। तेल चढ़ा हुआ कढ़ाई में, इसको मैं उसके बाद फ्राई करूंगी जब तक लाल नहीं हो जाएगी लौकी। दिखाने गए क्या? अच्छा भाई, हाँ ये भी बात सही है, दिखाते हुए अपना सही है, सही है, सही है। वही हमने कहा आपने ठीक किया बेटा, दिखा रही है। ये चावल पक चुके हैं। चलो ठीक है, अरे अभी अभी रहने दो बेटा, अभी रहने दो, जब घर आ जाएंगे ना तब हम मिलाएंगे उनको, नहीं तब हम स्वयं मिलाएंगे उनके पास ना, अभी वो परेशान होंगे। देखिए फ्रेंड, इसको थोड़ा सा हींग डाल दिया इसमें, कढ़ाई में हींग डाल दिया, इसके बाद ये लौकी डाल दिया, तो जब तक एकदम लाल नहीं हो जाएगी तब तक फ्राई करेंगे तेल में। इसके बाद ये जो मैंने इसमें मसाला पीसा है, लहसुन अदरक मिर्च और प्याज का पेस्ट है, ये प्याज पेस्ट भी इसी में डाल दूंगी, इसमें ऐसे करके ये पेस्ट डाल दिया इसी में। इसके बाद मिल गया इसी में, जब तक इसको लाल नहीं हो जाएगा ये, तब तक इसको बंद नहीं करना है, ये इसकी भुजाई जब तक अच्छे से नहीं हो जाएगी। जब ये एकदम लाल हो जाएगी लौकी ना, तभी इसमें पानी पड़ेगा, अभी तो मैं भुनाई कर रही हूँ उसकी। लाइट ने आज बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा, इतनी बार लाइट गई, इतनी बार लाइट गई, मैं क्या होगा, इतना परेशान करके रख दी ये लाइट। जब तक एकदम लाल नहीं हो जाएगी ये, जब ये तेल छोड़ देगी अंदर से, तभी इसमें पानी डालना है।
मसाला कम लगे, थोड़ा सा अलग से आप इसे मसाला डाल सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से मसाला इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड इसकी बुझाई हो गई, अब इसमें पानी डाल दूंगी, पानी डाल दूंगी, ज्यादा पानी नहीं डालना है, अपने हिसाब से आपको इतना गाढ़ा पतला करना हो। नमक डाल दूंगी, जो कि तैयार है। ये तैयार हो गई।